राज्य के ग्राम सथरी के पास खेत में एक 18 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई है, वहीं चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त रोशन निवासी ग्राम सथरी थाना सुरसा के रूप में हुई है, जिसकी चाकू से गला रेत कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर गाँव के ही अहिबरन रामचंद्र विपिन व कलिका के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अहिबरन उसकी मां से मिलने आता था, जिसका विरोध उसका भाई रोशन करता था। इसी रंजिश के कारण इन लोगों ने उसके भाई की हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर SP अनुराग वत्स ने बताया कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, उसी के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सर, ये जो यहाँ गांव में घटना हुई है, सर क्या मामला है इसका? देखिए, ये थाना सुरसा का ये सथरी गांव है, जहाँ सुबह पता चला है कि एक युवक को चाकू से मार के उसको हत्या कर दी है। उसी सूचना पर हम सभी लोग यहाँ आए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। घटना में पुलिस को इम्पोर्टेंट क्लू मिल गए हैं और जल्दी ही जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।